नमस्कार दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद एक कविता लिखने की इच्छा हुई जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है कोरोना हमें जीना सिखा गया। इस कविता का रचयिता मैं खुद ही हूं, यानी डॉक्टर किंजल दिलीप कुमार मोदी। आशा करता हूं आप सभी को मेरी ये रचना जरूर पसंद आएगी। शुरू करता हूं। इस कोरोना की महामारी में तो सब हम इतने उलझ गए कि क्या कहे सनम, लेकिन बारीकी से देखने पर नजर आया तो ये लगा कोरोना जैसे जीना सिखा गया। जिन चीजों का पालन करना कभी चाहा, पर किसी बहाने से उसे जाने दिया जहां, आज उन्हीं अच्छी आदतों को याद किया तो ये लगा कोरोना हमें जीना सिखा गया। कुछ भी करने से पहले अच्छे से हाथ धो लेना, मां और टीचर दोनों ने तो कई बार था बोला ना, पर हर बार किसी कारण से इसे भुला दिया तो आज कोरोना हमें जीना सिखा गया। छींकते खांसते वक्त मुंह पर हाथ रखना बड़े बुजुर्गों ने कहा, पर कहां किसी ने माना। कोई माई का लाल तुमसे ये नहीं करा पाया, तो मुझे लगा कोरोना जीने का ढंग सिखा गया। लोकल ट्रेन में खड़े हुए तो मुंह कहीं और पैर कहीं, लोग ऐसे चिपकते कि न जाने किसका हाथ कहीं। आज जब 2 गज दूर लोगों को खड़ा पाया तो लगा कोरोना खुले में जीना सिखा गया। अब भले इस बीमारी का इलाज मिले ना मिले, घर वालों दोस्तों रिश्तेदारों से जो दिल मिले, ऐसा प्यार का मौसम है आज खिल गया तो लगा कोरोना प्यार से रहना सिखा गया। लाइन में खड़े होने का अनुशासन सीखे हम, दूसरों के प्रति सद्भावना सहिष्णुता सीखे हम, बड़ों की सेवा छोटों का दुलार करना सीख गया तो लगा सचमुच कोरोना हमें जीना सिखा गया। आशा करता हूं आप सभी को ये कविता जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।